देखिए, मेरा पेंटिंग सिखाने का मकसद ये है कि जितना आसान तरीका से घर में आप अपने बच्चों को बता पाएं। दो दो के बाद होता है तीन, आप सभी को पता है। तीन के बाद होता है चार, और मुझे लगता है कि दो तीन चार आप सभी जानते होंगे लिखना। अब इस दो का प्रयोग कैसे करेंगे? इसको ऐसे लाएंगे, इसको ऐसे लाकर जो चार है ना, चार को टच करते हुए ऐसे निकल जाएंगे। कोई समस्या नहीं हुई, मैं ऐसा कर रहा हूँ अब तक। इसको तीन से टच करना है, इसको इस पॉइंट से टच करना है, इसको इससे टच करना है, इसको ऊपर ले जाकर ऐसे टच करना है, यहाँ से और एक ऐसे ले जाएंगे, यहाँ टच करना है, और यहाँ से एक इसको टच करना है, ठीक है। उसके बाद में ये जो ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, देखिए मोरनी भी आँख के लिए काफ़ी मशहूर है, इसलिए आँख ऐसे और मोर के ऊपर में ऐसा 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 मिलता है। देखिए, आप अपने बच्चों को जब सिखाइएगा तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हूबहू ऐसा वो कर पाएंगे, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक है। तो ट्रिक से जब आपके बच्चे बनाएंगे या आप सिखाएंगे उन लोगों को, तो हूबहू आएगा, ऐसा नहीं इससे कम या इससे ज़्यादा। अब इसमें बचा कुछ नहीं, तकरीबन कंप्लीट ही हो गया है। अपने हिसाब से डिज़ाइन जो भर लेंगे। देखिए, डिज़ाइन का कोई सीमा नहीं है, असीम है। डिज़ाइन भर लिए हैं। ये सबसे आसान से एक चित्र जो आप अपने बच्चों को बताते समय काफ़ी हर्ष खुशी महसूस कीजिएगा। और बड़ी बात, अगर पसंद आए तभी मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना बेमतलब का नहीं। आप अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, अगर पसंद आए तभी कीजिए। धन्यवाद।